फाइव वेस्टर्न सिटी प्रेजेंट फेस टू फेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं हूं सुचंद्रा, आपका होस्ट। आज हम लोगों के साथ एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो कि जयपुर से है और वो उनके काम के वजह से वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जयपुर से चुने गए हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का नाम है डिजाइन फॉर यू और नाम से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ डिजाइन रिलेटेड और भी ज्यादा कुछ उनपे काम होता है। तो उसका जो ओनर है मिसेस दीपांशी सक्सेना जी आज हम लोगों के साथ इंटरव्यू में मौजूद है। उनके एजेंसी के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उनके सर्विसेज के रिलेटेड। सो नमस्कार दीपांशी जी, आपको फाइव वेस्टर्न सिटी में आपका स्वागत है। सो आपका ये जो एजेंसी डिजाइन फॉर यू, ये वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है फ्रॉम जयपुर। सो ये खिताब जीतने के बाद आप लोगों को आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है एक्चुअली। पहले भी वर्क मतलब हमारा पैन इंडिया आउट ऑफ इंडिया के लिए भी हम वर्क करते थे, बट एक प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था जहाँ पर कि मतलब कस्टमर्स को क्लाइंट्स को पता चले कि मतलब बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी कौन सी है जिन्होंने अपनी सर्विसेज देके मल्टीपल क्लाइंट्स को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाया है। मल्टीपल ब्रांड्स के साथ हमने काम किया है तो एक अच्छा लगता है कि कहीं पर अगर उस चीज को हम दिखा सकें ज्यादा बेटर लगता है। जी हाँ दीपांशी जी, आपको मैं पूछूंगी आपके सर्विस जो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो क्या क्या सर्विसेज है, कुछ डिटेल्स में बताएं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, काम भी अलग अलग है, तो आपके एजेंसी में क्या क्या काम होता है? एक्चुअली वी हैव मल्टीपल सर्विसेज एंड नॉट ओनली सर्विसेज, मैं ऐसे सर्विस नहीं कहूंगी, एक तरह से हेल्पिंग हैंड कहूंगी फॉर अदर ब्रांड्स। जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी बिजनेस हैं, छोटे बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस या बड़े एंटरप्राइजेस हैं, सबको अपना बिजनेस स्केल करने के लिए या अपना कस्टमर लाने के लिए या अपनी मार्केटिंग करने के लिए एक डिजिटल मार्केटर की हेल्प चाहिए होती है। नॉट ओनली डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, उन्हें ग्राफिक वाले की भी नीड होगी, ग्राफिक डिजाइनिंग, उन्हें वेब डेवलपमेंट ऐप डेवलपमेंट सपोर्ट की नीड होती है, उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एनिमेशन, मोशन ग्राफिक, फोटोग्राफीज, बहुत सारी चीजों की हेल्प की वजह से उनका ब्रांड और एक उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी या उनकी सर्विस की क्वालिटी, इस वजह से वो ब्रांड स्टैंड आउट करता है, ठीक है, एक अच्छे लेवल पर पहुंचता है। जी हाँ। तो वो सारी सर्विसेज अंडर वन रूफ हमारे पास में अवेलेबल है जो कि हम ऑलमोस्ट 9 to 10 years से हमारे क्लाइंट्स को हम प्रोवाइड कर रहे हैं एंड मल्टीपल क्लाइंट्स हैं हमारे जो लॉन्ग टर्म बने हुए हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी करे हमने, गवर्नमेंट टेंडर्स हम लोग लेते हैं एंड बस यही अच्छा लगता है कि हम उन्हें टाइम पर और उनको एक अच्छी क्वालिटी के साथ में उनको सेटिस्फेक्शन हम प्रोवाइड करवाते हैं एक रीजनेबल रेट्स के अंदर। कुछ जगहों पे रेट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि वहाँ पर अमाउंट भी लगता है क्योंकि उसमें मेहनत भी होती है अपनी, ठीक है, तो वहाँ पर सही रहता है कि एक अमाउंट भी हो क्योंकि एक जो उन्हें क्वालिटी चाहिए। कई बार होता है क्लाइंट्स का कि रेट्स उनको कम चाहिए होते हैं बट कम रेट्स में फिर एक अच्छी क्वालिटी पॉसिबल नहीं हो पाती है तो वहाँ पे थोड़ा सा क्लाइंट्स को प्रॉब्लम होता है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग के ओर से आप लोगों का बहुत कुछ काम करते हैं। अच्छा ये जो आपके क्लाइंट्स के बारे में आप लोग बोल रहे हैं तो ये क्लाइंट्स क्या इंडिया से है या फिर इंडिया के बाहर से भी है? नहीं, ये पैन इंडिया क्लाइंट्स होते हैं। एक्चुअली क्या है, लोग डिजिटल मार्केटिंग को सिर्फ ये समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग केवल सोशल मीडिया मार्केटिंग है, SEO है या हमारे बिजनेस में लीड्स आ जाएंगी। नहीं, मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती। विद ऑल माय एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि एक बिजनेस में केवल डिजिटल मार्केटिंग ही वो रोल नहीं निभाती है कि उनकी लीड जनरेट होगी ही। मेरे हिसाब से आपकी वेबसाइट, आपका SEO, आपका ग्राफिक डिजाइनिंग, आपका लोगो, आपकी ब्रांडिंग बहुत मैटर करती है, आपकी रीब्रांडिंग बहुत मैटर करती है, आपकी पैकेजिंग कैसी है, आपने किस मटेरियल में उनको करवाया, आपकी प्रिंटिंग कैसी है, आपका लॉन्चिंग पावर कितना था, आपने क्या क्या एफर्ट्स डाले हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए। सिर्फ एक लीड जनरेशन कैंपेन चला देना सोशल मीडिया या SEO या डिजिटल मार्केटिंग करवाना ही नॉट इनफ फॉर एनी ब्रांड और एनी बिजनेस, बट ये समझाने में और ये क्लाइंट्स को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है और हमें समझाने में, तो फिर एक लिमिट होती है कि चलो कोई अच्छा ब्रांड है, कोई समझने की कंडीशन में, तो हम उन्हें पूरा एक्सप्लेन करते हैं। बट कस्टमर्स का क्या रहता है कि सबसे मेन जो दो इश्यूज आते हैं हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग वालों को, लोग GST बिल नहीं लेना चाहते, बट ये उनके लिए भी लॉस होता है, हमारे लिए भी, उन्हें नहीं पता इसके कितने बेनिफिट्स होते हैं, इवन हम भी लॉस खाते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट टेंडर्स जो आते हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया के जो वर्क्स आते हैं वो लोग टैक्स पे करना पसंद करते हैं, अदरवाइज बहुत रेयर फर्म्स होती हैं जो टैक्स पे करना चाहती हैं। एंड साथ में ही मैं बात करूंगी लाइक जैसे कि लोगो डिज़ाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है,
मेरे हिसाब से, ठीक है, एंड सारे कंपनीज वाले भी ये समझते हैं जो मेरी फील्ड से हैं, एक ब्रांड का लोगो उसकी फेस होता है, उसकी पहचान, बट लोगों को उस चीज की वैल्यू नहीं है, ठीक है। सेम एज वेबसाइट बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस के लिए, बट उन्हें लगता है वेबसाइट में इतना खर्चा आएगा तो उस खर्चे से बेटर है कि भाई मैं मेरे काम में 2 एम्प्लॉय और बढ़ा दूंगा और ऐसे ऐसे मैन पावर बढ़ा करके मैं मेरा काम बढ़ा लूंगा। बट ऐसा नहीं है, जो चीज आपको लग रहा है वो एक टाइम ही आपका एक्सपेंस करवा रही है, एक टाइम ही आपका खर्चा आ रहा है, लेकिन आगे जाके वो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देने वाली है आपके बिजनेस में और आपके एक्चुअली ये कस्टमर जो को एक बहुत जेनरेशन अच्छी वैल्यू। एक्चुअली जी ये जेनरेशन जहाँ पर जा रहे हैं अभी, ऑनलाइन मार्केटिंग के सिवा सेकंड ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग में आपको आना ही पड़ेगा, लेकिन जो ओल्ड बिल्कुल जेनरेशन है वो ये समझना नहीं चाहते कि राइट नाउ कि ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है, इससे क्या होगा, हम लोग बिल्कुल ऐसे ही काम चला रहे थे, इससे ही बेटर होगा, ये समझने में ये जेनरेशन का सबसे बड़ा मतलब इश्यू है। एक्चुअली मैं इसमें आपको बीच में कहना चाहूंगी, एक जनरेशन गैप का भी इसमें फर्क आ रहा है और एक चीज और, दो चीजें सॉरी, एक नहीं, एक तो फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है, कमिट जी हाँ, करके आप उनसे पैसा ले रहे हैं बट आप उनको सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे, या फिर मान लीजिए कोई क्लाइंट सच में अपना ब्रांड करवाना चाहता है और सब चीजों की वैल्यू वो जानता है जो अभी मैंने डिस्कशन करा आपसे, बट उनको कोई फ्रॉड मिल गया, उन्होंने पैसा गवा दिया, अपना उनका काम नहीं हुआ, तो तो वो सेकंड टाइम हिचकिचाएंगे, तो वो इन्वेस्ट करने सोचेंगे। में वो मतलब हिचकिचा रहा है। 90% लोग इन्वेस्ट करने में हिचकिचाएंगे और 10% लोग तो मूव आउट कर जाएंगे कि मुझे ऑफिशियली ही ऑफलाइन ही करना है, मैं नहीं जाऊंगा ऑनलाइन पे, ठीक है। तो दो तरह के लोग हैं और यहाँ पर ओल्ड जनरेशन या न्यू जनरेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रॉड हो गया ना तो वो डरेगा 100%। एंड आपका थर्ड जो ये मेन जो इशू क्लाइंट आता है है, भूमि, जी थर्ड जो मेन इशू आता है इसके अंदर फ्रॉड के अलावा भी, कुछ लोग हैं, हर कोई देखो अपना ब्रांड ही बनाना चाहता, आज आप पैन इंडिया देख लो या वर्ल्ड वाइड देख लो, बहुत कम ऐसे बिजनेस, तो हजारों हैं, हर गली में हर नुक्कड़ पे आपको बिजनेस मिल जाएगा, हर एक दुकान मिल जाएगी, हर स्किन केयर वाला आपको हर घर घर में मिल जाएंगे, लेकिन ब्रांड बहुत कम है। तो जो ब्रांड बने हैं ना वो ऐसे नहीं बने, उनका विजन था कि मुझे ब्रांड बनना है, मुझे है ना सिर्फ हजारों या लाखों का नहीं कमाना है, एम्प्लॉय की सैलरी या घर का खर्चा नहीं चलाना है मुझे, या बच्चों को नहीं पालना है, मुझे एक नाम कमाना है। तो जिसने नाम कमाना है ना उसको वैल्यूज पता है ब्रांडिंग की भी, उसे वैल्यूज पता है वेब डेवलपमेंट की, उसे डिजिटल मार्केटिंग की वैल्यूज पता है और वो उन्हीं चीजों के पीछे आता है। बट उन तक पहुंचना एक होता है ना कि वो हम तक पहुंचे एक राइट डायरेक्शन में, वो कई बार वो लोग पैसा भी लगाते हैं, कई बार उन्हें सही इंडस्ट्री सही मार्केटिंग कंपनी भी मिल जाती है, एजेंसी भी मिल जाती है, तो उनकी खुद की टीम का लैक ऑफ पॉइंट आ जाता है कई बार, कई बार ये होता है वो इन हाउस रख लेते हैं, तो मोस्टली ये सीन चलता है मार्केट में। तो जो लोग सीरियस नहीं होते हैं अपने ब्रांड को लेके या जिनका विजन और सपना नहीं है कि एक ब्रांड बनना है, हर एक बिजनेस ब्रांड नहीं होता, ये मैं बिलीव करती हूँ कि ब्रांड वही है जिसने अपने आप को, जिसका नाम जबान पे सबको याद है कि भाई जाना है तो कपड़े खरीदने तो इसके खरीद लो, ठीक है। वैसे तो जिनका सपना है वो लोग रिसर्च करेंगे और वो लोग करवाएंगे, जिनका नहीं है वो नहीं करेंगे, उनको फिर चीपेस्ट रेट में बेस्ट क्वालिटी चाहिए होती है, वो कैसे मिल सकती है। ये जो आपका जो क्लाइंट्स आपने बताया कि ऑल इंडिया है, तो फिर इसका मतलब जो सर्विसेज है सब कुछ ऑनलाइन में ही होता है, बुकिंग सब हाँ कुछ। जी, ऑनलाइन भी अपना पूरा सारी सर्विसेज, क्योंकि अपना पैन इंडिया चलता है, गवर्नमेंट टेंडर्स भी अपन करते हैं और आउट ऑफ इंडिया भी अपना काम काफी अच्छा है, वर्ल्ड वाइड है अपना, तो सब ऑनलाइन ही चलता है। और बाकी अपना ऑफिस है जयपुर में, जो जो भी विजिट करना चाहे, एनी एनी वन फ्रॉम एनी वेयर वो विजिट कर सकता है। जी हाँ, ये जो जयपुर में आपका ऑफिस है इसका लोकेशन कहाँ पर है? इसका लोकेशन है मालवीय नगर, सिद्धार्थ नगर में। इसका टाइमिंग क्या है, अगर कोई अपना आपका क्लाइंट्स अगर इस इंटरव्यू को देख के आपको विजिट करना चाहे तो आपके ऑफिस का टाइमिंग क्या है? मंडे टू सैटरडे अपना ओपन रहता है 10 to 8, बाकी10 to 8 अगर आप आप अपॉइंट, बोलिए। हाँ जी, अगर कोई और टाइमिंग है किसी को जो सूट नहीं कर रहा है तो आप मुझे कॉल करके आ सकते हैं, फ्री कंसल्टेशन मतलब ऑन कॉल भी है, अगर मान लीजिए कई बार क्लाइंट्स होते हैं संडे को मीटिंग रखना है उन्हें, वो फ्री नहीं है मंडे टू सैटरडे, तो वी विल अरेंज दैट। दीपांशी जी, मैं जब एक क्लाइंट सेटिस्फेक्शन की तरफ से मैं पूछना चाहूंगी कि आपका जो क्लाइंट्स है ये आपको नॉर्मली एक प्रोजेक्ट आने के बाद उसका कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, कितने दिन का स्पेंड होता है? एक्चुअली जब किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट आता है तो हम स्टार्टिंग में मतलब उनसे एडवांस पेमेंट लेने से पहले ही उन्हें बता देते हैं कि सर इसमें इतना टाइम लगेगा, जैसे सपोज मान लीजिए 3 डेज लगने हैं किसी काम में, तो
तो मैं आगे से 4 डेज बोल के चलती हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उनको 2 डेज में ही कंप्लीट करके दे दूँ, और मोस्टली मैंने दिया भी है बहुत से मल्टीपल क्लाइंट्स को, इसलिए वो मेरे साथ जुड़े भी रहे कि रेट्स भी रीजनेबल है, टाइम से पहले भी काम मिल जाता है, और कई बार काम किसी मिस हैपनिंग या एनीथिंग एल्स की वजह से, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि 4th डे ना आए, उन्हें पहले मिल जाए, एटलीस्ट उनका डिले ना हो, तो वो सेटिस्फाई एग्जैक्टली रहते हैं कि टाइम पर दे दिया। जी हाँ दीपांशी जी, आगे तो आप देखिए हम लोगों के आसपास नॉट ओनली ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग है। आप गूगल में जाओगे या फिर किसी भी इंटरनेट पे जाओगे देख सकते हो कि बहुत सारे एजेंसीज है। तो दूसरे एजेंसी से आपका ये जो डिजाइन फॉर यू है इसका डिफरेंस क्या है आपके हिसाब से, आप क्या बताएंगे? देखिए सभी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, मैं किसी को भी गलत और किसी को भी सही नहीं कहूंगी, पर जी हाँ हाँ जो सही तरीके से काम कर रहा है, क्लाइंट उससे सेटिस्फाई है और वो टाइम पे काम डिलीवर कर रहे हैं, एक मार्केट वैल्यू से बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं कि उन्हें भी लॉस हो, एक एवरेज अगर वो रेट्स अगर उनकी है, टाइम पर चीज दे रहे हैं, क्वालिटी उनकी परफेक्ट है, तो मैं किसी को भी नहीं कहूंगी कि वो गलत काम कर रहे हैं, वो अच्छा ही कर रहे हैं। सभी अपने 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 अलग अपनी जगह पर, कोई किधर से कर रहा है कोई किधर से, तो मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और अच्छा है, कंपटीशन जितना हो उतना ही ग्रो करने का मजा आता है, उतना ही अच्छा लगता है। लेकिन मैं क्यों डिफरेंट हूँ, एक्चुअली डिजाइन फॉर यू जो हमने नेम डिसाइड करा मैंने मेरी कंपनी का, उसका एक रीजन था, उसमें 4 डीज है एक्चुअली जिन पर डिजाइन फॉर यू और डिजाइन फॉर यू टीम वर्क करती है। फर्स्ट इज डिजायर, डिजायर इन द सेंस कि हम जब तक कस्टमर की डिजायर नहीं समझेंगे एक्चुअली वो चाह क्या रहा है, उसके बिजनेस में किस चीज की नीड है, हम जब तक उस बिजनेस को मतलब खुद को उसका ओनर नहीं समझ के सोचेंगे तो हमें पता नहीं पड़ेगा वो चाहता क्या है, उसकी बात नहीं समझेंगे। मतलब अगर हम सर्विस सेल करेंगे ना तो हम कभी किसी कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो हमारा फर्स्ट मोटिव रहता है डिजायर को समझना, नॉट सेलिंग सर्विस। सेकेंड आ जाता है डायरेक्शन, डिजायर उनकी समझ ली हमने, उन्हें क्या चाहिए, उनका बिजनेस की मांग क्या है, उसके बाद हमें किस डायरेक्शन में काम करना है, किस डायरेक्शन में उनके बिजनेस को हम कैसे करके क्या करके और कहाँ ले जा सकते हैं, ये उन्हें प्रेजेंट करना। फिर जब उनसे अप्रूवल आ जाता है तो आफ्टर दैट डेडिकेशन के साथ उनका पूरा उनको जो कमिट किया है वो उनको वर्क प्रोवाइड करवाना विद डिसिप्लिन। तो ये 4 डीज हैं जो जिन पे डिजाइन फॉर यू काम करता है, और मेरा एक ही सिद्धांत है केवल कि कोई भी क्लाइंट विदाउट सेटिस्फेक्शन ये ना कहे कि मेरे को पेमेंट करना है इसलिए मैंने पेमेंट किया है आपको रेस्ट पेमेंट, वो सेटिस्फाई हो और वो दूसरे लोगों को भी रेफर करे, ये मेरा मोटिव रहता है कि मतलब हेल्पिंग हैंड है केवल डिजाइन फॉर यू। एकदम एकदम बस लास्ट एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैंने आपका जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर मैंने देखी आपकी कुछ कोर्सेज वगैरह ऐसा कुछ भी है, तो ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बता दीजिए। जी एक्चुअली ये मेरी आप हॉबी कह सकते हैं, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे टीचिंग करना अच्छा अच्छा लगता है जी। तो मेरा ये था कि स्टार्टिंग से या तो मेरी एकेडमी हो, लेकिन एकेडमी फिर दो दो ब्रांड संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि क्लाइंट्स भी हैं और घर भी है, बहुत सी चीजें रहती हैं। तो फिर मैंने क्या डिजाइन फॉर यू के अंदर ही स्टार्टिंग से इंटर्नशिप मॉड्यूल और कोर्स मॉड्यूल दोनों रखे हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी भी जब से हमारा डिजाइन फॉर यू ओपन हुआ है उसके आफ्टर आई थिंक 1 ईयर बाद से, आई थिंक 7 ईयर्स हो चुके हैं, 6 to 7 ईयर्स कम्प्लीट हो गया है कि मेरे पास में यूनिवर्सिटीज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से, इवन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी कि किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए, बट कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से बच्चे कोर्स करके आते हैं और इंटर्नशिप जब उन्हें करवाते हैं, हम इंटर्नशिप के लिए आते हैं तो उनको कुछ भी नहीं आता एंड वो उसकी बैड मार्केटिंग भी करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हम तो बोलेंगे किसी को आप ज्वाइन मत करना, यहाँ ये वो पढ़ाई नहीं होती, पैसा भी चला गया टाइम भी। तो इंटर्नशिप मॉड्यूल मेरे पास है, जो इंटर्न्स बहुत अच्छा काम कर लेते हैं मैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट पे खुद ही रख लेती हूँ, अदरवाइज मैं उनका प्लेसमेंट करवाती हूँ, और सेम एज अपने पास कोर्सेज अवेलेबल है, ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग और मोशन ग्राफिक्स का कोर्स अपने पास अवेलेबल है, और बहुत ही जल्द हम 2D एनिमेशन और बाकी कोर्सेज भी शुरू करने वाले हैं। तो जो जी कोर्स हमारे पास कर लेते हैं स्टूडेंट, हम उन्हें कोर्स का सर्टिफिकेशन देते हैं, साथ ही इंटर्नशिप मैं मेरे पास ही करवाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे वो बच्चे को कैसा प्लेसमेंट मिलेगा कैसा नहीं, तो एक अच्छा प्लेसमेंट मिले और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे जाए ये मेरी सोच है। तो मैं मेरे पास से जहाँ 6 महीने लग रहे हैं उसे कोर्स में और इंटर्नशिप अलग से फिर 3 महीने की, मेरा ट्राई हाँ रहता है कि 6 मंथ्स में मैं दोनों चीजें करवा दूँ मेरे ही पास से एंड देन उसको प्लेस करवा दूँ, ये रहता है। जी हाँ
बहुत अच्छा दीपांशी जी, बहुत अच्छा लगा ये जान के, एंड थैंक यू सो मच हम लोगों को टाइम देने के लिए, फाइव वेस्टर्न सिटी को टाइम देने के लिए इस इंटरव्यू के लिए। और आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग अगर दीपांशी जी के एजेंसी जो कि है डिजाइन फॉर यू फ्रॉम जयपुर, और ये ऑल इंडिया काम करता है, यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग रिगार्डिंग अगर कोई भी आप लोगों की काम हो तो फिर आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स और उनके एवरी डिटेल्स इस इंटरव्यू के साथ मेंशन है, आप अगर गूगल में जाओगे तो भी फाइव वेस्टर्न सिटी के वेबसाइट में भी आप देख पाओगे। और थैंक यू सो मच दीपांशी जी, और वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस आपको। तो बस लास्ट एक चीज आपसे पूछूंगी कि एज अ फीडबैक हम लोगों के साथ काम करके आपको कैसा लगा? मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा पर्सनली भी, मैं बताऊँ मेरी अदर सर्विसेज भी हैं तो मैं बहुत जल्दी उनके थ्रू भी आपसे जुड़ना चाहूंगी, और मेरे जितने क्लाइंट्स हैं उनको भी मैं मतलब यही बोलती हूँ कि वो आपके साथ जुड़े। रीजन एक जो बेस्ट है या परफेक्ट कोई चीज है वो आप अदर पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है पब्लिक के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। थैंक यू सो मच दीपांशी जी, एंड आज का ये इंटरव्यू फेस टू फेस यही तक रहेगा, अगले दिन फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच दीपांशी जी। थैंक यू। थैंक यू।